नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 9 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि कौन से लोग होंगे जो कि एमएलसी बनकर जाएंगे सदन में, और इन 9 तारीख को 9 एमएलसी बिहार में बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें जो अलग अलग पार्टियों का उनके एमएलए के हिसाब से समीकरण है, वो इसमें बहुत बड़ा एक मायने रखता है। लेकिन आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक अपने एमएलसी उम्मीदवार को तय नहीं कर पाई थी। रातों रात भागदौड़ में तारिक अनवर, जो कि एनसीपी से आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कटिहार से चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे पिछले बार, और उनको मौका दिया गया था एमएलसी बनने का। लेकिन रात भर में ऐसी परिस्थितियां हुई, पार्टी तो हवाल दे रही कि कागजात पूरे नहीं थे, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी में ज़बरदस्त विरोध होने लगा था, जिसके बाद ये तय किया गया कि किसी कार्यकर्ता को और ऐसे व्यक्ति को जो कि कांग्रेसी है, उसे मौका दिया जाए ताकि पार्टी में ये असंतोष की भावना ना जाए। वही हुआ, तारीख को हटाकर समीर कुमार का चयन कर दिया गया। नॉमिनेशन जो अंतिम तारीख थी वो थी 25 तारीख, और 25 तारीख को ही आनंद फानन में समीर सिंह को जब गो अहेड मिला तो उन्होंने अपने कागजात जितने हो सके इकट्ठे किए और ले जाकर नामांकन कर दिया। लेकिन उसकी जांच होती है, जांच अगले दिन होती है, 26 तारीख को जांच हुई और जांच में पाया गया कि उनके कुछ कागजात नहीं हैं और कुछ जगह अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपत्ति जताए कोई विपक्ष से तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, जेडीयू ने आरोप लगा दिया और ये कह दिया कि अधूरा इन्फॉर्मेशन और अधूरे कागजात के तहत ये नामांकन हो रहा है, इस पर आपत्ति जताइए। श्रवण कुमार, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और जदयू के नेता भी हैं, इन्होंने आरोप लगा दिया था और इनके आरोप की वजह से नामांकन जो है वो फिलहाल होल्ड पर चला गया था और चुनाव आयोग इस मामले की जांच करने लगी थी, और जांच के बाद ये स्पष्ट होता कि आखिर इनके नामांकन रद्द किया जाए कि नहीं। हालांकि आपको बता दें कि अधूरा इन्फॉर्मेशन पर अगर कोई अगर वाकई पाया जाता है तो उस केस में नामांकन रद्द हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, ऐसी परिस्थिति में एमएलसी उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं बन पाता। तो इस परिस्थिति को आखिर कांग्रेस ने कैसे निपटाया, उसको जानने से पहले आपको मैं एक छोटा सा बिहार की राजनीति में जो एक हुआ था इंस्टांस, उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि कांग्रेस और नीतीश के बीच में कभी रिश्ता खराब नहीं रहा है। कांग्रेस की कांग्रेस ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट किया था, एक समय में जब आवश्यकता पड़ी थी तो बाहर से सपोर्ट किया था, और इसीलिए फिर बाद में गठबंधन बना था। आपको पता होगा कि 2014 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे नरेंद्र मोदी से, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के जितने भी विधायक थे उन्होंने सपोर्ट खींच लिया था नीतीश कुमार से, और उसके बाद फिर लालू यादव और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था नीतीश कुमार को सरकार चलाने के लिए। लेकिन जब चुनाव हुए तो फिर महागठबंधन बना और लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ आए। बाद में 2017 में जब नीतीश कुमार का लालू यादव से उतना नहीं पटने लगा, उन्हें आपत्ति हुई तेजस्वी यादव के कार्यकलापों से, तो उन्होंने तेजस्वी का हवाला देते हुए, भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए अपने आप को अलग कर लिया इस महागठबंधन से। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को कभी अलग नहीं किया था। कांग्रेस इस गठबंधन से तब हटी, या कांग्रेस से वो नीतीश कुमार अलग तब हुए जब वो अल्टीमेटम खत्म हो गया जो उन्होंने दिया था कि कांग्रेस सब कुछ निपटा ले और बोले कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दे, लेकिन तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया और सरकार गिरा दिया नीतीश कुमार ने, और वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने लगे। कई दिनों तक कांग्रेस और नीतीश कुमार ने एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं कही। कई बार बिहार सरकार में बहुत सारी कमियां थी जिन पर कांग्रेस उजागर कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने भी सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म किया एनडीए सरकार का, बिहार की सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, और जब नरेंद्र मोदी की बात आती थी और केंद्र सरकार की बात आती थी तो कांग्रेस बहुत हमलावर हो जाती थी। ये साबित करता था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं कांग्रेस की उस दौरान भी जब वो अलग हुए थे, क्योंकि वास्तविक कोई कारण नहीं था नीतीश और कांग्रेस का अलग होने का। बाद में हमने देखा था कि सदानंद सिंह हो, प्रेमचंद मिश्रा हो, अजीत शर्मा हो, जो कि लगातार कांग्रेस के विधायक हैं, मुलाकात कर रहे थे नीतीश कुमार से, या मुन्ना तिवारी हो, या बाद में फिर अशोक चौधरी ही हो जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपने सारे एमएलसी को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी में अपनी आस्था जाई और आज नीतीश सरकार में वो मंत्री भी हैं भवन निर्माण के, और कांग्रेस से उनका नाता खत्म हो चुका है। लेकिन सभी के बावजूद सदानंद सिंह बार बार नीतीश कुमार की बड़ाई करते आए हैं। बड़ाई करने में कांग्रेस के कई विधायकों का भी हाथ रहा है। कई बार मानव श्रृंखला में हमने देखा कि कांग्रेस के अलग अलग विधायक शामिल रहे। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद
श्रवण कुमार जो कि नीतीश कुमार के मंत्री हैं, जदयू के कोटे से आते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई समीर कुमार सिंह के एमएलसी नामांकन पर, जिसके बाद इस मामले को चुनाव आयोग को दे दिया गया। चुनाव आयोग इस पर काम कर रही थी और पूरा चांस था कि समीर कुमार का नामांकन रद्द हो जाता। तभी श्रवण कुमार को फोन आता है, जानकार लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार खुद फोन करके बोलते हैं कि इस तरह का कोई आपत्ति जताने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां से नामांकन जो हो रहा है उसे होने दीजिए और अपने आपत्ति को आप वापस ले लीजिए। वही होता है अंतिम समय, जिस समय ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट होने वाला था कि इनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, तब श्रवण कुमार आते हैं और जो चुनाव आयोग है उनसे अपनी आपत्ति को वापस ले लेते हैं और तब समीर कुमार का जो चयन है वो हो जाता है। समय खत्म होने से जस्ट पहले उन्होंने ये किया, ये साबित करता है कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ा कहीं से। अब ये दबाव नीतीश कुमार ने दिया या किसने दिया ये बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को जब पता चला कि श्रवण कुमार ने आपत्ति जताई है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, आप उन इस बात से आपत्ति जो है उसे हटा लीजिए, और वही हुआ। अब क्या होगा, अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, 9 तारीख को इसके चुनाव होने हैं। लेकिन ये जितने लोगों ने नामांकन भरा है ये ऑलमोस्ट MLC बन गए हैं, अब बस उस दिन इनका जो नामांकन है के बाद जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया के बाद इन्हें घोषित कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार का इसमें एक सवाल खड़ा होता, तो नीतीश कुमार के कांग्रेस के प्रति प्यार बढ़ने के और कांग्रेस का नीतीश के प्रति प्यार बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो मैं बता दूँ आपको। जब 2015 में गठबंधन बन रहा था और सीटें समीकरण बन रही थी, तब लालू यादव कांग्रेस को 40 सीटों देने के हितैषी नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस को 20 सीट देने की बात की थी, लेकिन तब नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को 40 सीटें दी जाए। इसके पीछे नीतीश कुमार का भी कारण था, नीतीश कुमार सोच चाहते थे कि कम से कम अपने बराबर की सीटों पर लड़ाएं लालू यादव को, उनकी पार्टी को, ताकि अगर कांग्रेस से रिश्ता अगर अच्छा रहे तो हम लालू को छोड़कर कांग्रेस के साथ भी सरकार बना सकें। लेकिन भाजपा फिर समीकरण में आती है और भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं परिस्थितिवश नीतीश कुमार को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो जो मंत्रालय की बात थी उस पर भी कहीं ना कहीं लालू यादव का ऐतराज़ था। लालू यादव को कांग्रेस को 2 ही मंत्रालय देना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से 4 मंत्रियों को कांग्रेस के नियुक्त किया और उसमें अशोक चौधरी भी थे, अवधेश सिंह थे, कहीं ना कहीं जलील मस्तान थे और मदन मोहन झा थे, इन चारों को उन्होंने मंत्री बनाया। हालांकि अब अशोक चौधरी कांग्रेस की तरफ से जा चुके हैं और वो नीतीश के साथ हैं। नीतीश कुमार के ये भी पता है उन्हें कि कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो उनके संपर्क में भी हैं। अगर हम बिहार कांग्रेस के भी क्रियाकलाप को देखते हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन सभी ने नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा हमला कभी नहीं किया है। राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा कहीं ना कहीं झटका दिया था नीतीश कुमार ने और सरकार रातों रात गिरा दी थी, तब इतना ही कहा था कि उन्होंने अपमान किया है जनादेश का, इसके अलावा कोई बात नहीं की थी। हालांकि आपको याद होगा कि कैसे राजद ने अलग अलग उपनाम दिए थे, पलटू राम और बहुत सारे बात कहे थे जो डिग्रेडिंग भी हैं, और लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रेमचंद मिश्रा भी केंद्र सरकार पर ज़्यादा हमला करते हैं, नीतीश सरकार पर हमला उनका कम रहता है। आपको याद होगा बिहार डूबा था और बिहार में पटना भी डूब गया था, पटना डूबने के दौरान भी लगातार विपक्ष हमलावर था, लेकिन कांग्रेस ने तब भी नीतीश कुमार की बुराई नहीं की थी बल्कि भाजपा के विधायकों की बुराई कर रहे थे और भाजपा के सांसद की बुराई कर रहे थे, जिस क्षेत्र में वहाँ के डूबा था पटना, पूरा कंकड़बाग और राजीवनगर का एरिया, उसके लिए भाजपा के लोगों को वो जिम्मेवार ठहरा रहे थे। साफ बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस और नीतीश के बीच एक समीकरण बन सकता है। इसी समीकरण को लेकर हमने आपको बताया भी था कि NDA में फिलहाल जितने दल हैं, 3 दल ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या उत्पन्न हो सकती है जब भाजपा अपना एजेंडा बिहार में पार करना चाहे। कैसे, अगर भाजपा नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें लेकर आती है तो नीतीश कुमार के बदले वो अपना मुख्यमंत्री उतारना चाहेगी। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास बस एक ही रास्ता बचता है, रास्ता ये है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते रखें, कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें आएँ और बाकी जो दल हैं महागठबंधन के, चाहे मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों या तीसरे मोर्चे के जो दल हों, चाहे नागमणि कुशवाहा हो, अरुण कुमार हो, पप्पू यादव हो, इन सभी को एकजुट करके सरकार बनाने का एक प्रयास किया जा सकता है, जिस परिस्थिति में कहीं ना कहीं राजद और भाजपा दोनों अलग रह जाएंगे। हालांकि जानकार तो ये भी कहते हैं कि राजद और भाजपा भी आगे चल के पोस्ट पोल अलायंस कर सकती हैं अगर समीकरण ऐसा बने।
अगर नीतीश को बाहर रखने की आवश्यकता पड़े तो। लेकिन खैर ये सब कयास है, वास्तविकता यही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को लेकर कोई बहुत बड़ी मन में दुश्मनी नहीं रखते हैं, लेकिन परिस्थितिवश ही कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस का एक अनुरक्षित संबंध है, पुराना रिश्ता है, और उसको लेकर कांग्रेस भी राजद को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी बन जाती है, राजद से दूरी बनानी है तो कांग्रेस से भी बनानी पड़ेगी। लेकिन अनजाने में ही, जाने में ही, या फिर कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजीवश ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस के लिए अपना जो रास्ता है वो काफ़ी आसान कर दिया है MLC बनने का। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की एक बड़ा यूटर्न है, क्योंकि पहले आपत्ति जताती है उनकी पार्टी, फिर बाद में वही कहते हैं कि आपत्ति को वापस ले लीजिए। कांग्रेस इन सभी चीज़ों को देख रही होगी, कांग्रेस भी समझ रही होगी, और राजद सबसे बड़ी बात है, राजद इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को, इसका इस क्रियाकलाप को जरूर एनालाइज करेगी, और एनालाइज करके सोचेगी कि आखिर अगर अभी फिलहाल नीतीश कुमार कांग्रेस में इस तरह का अगर प्रेम दिख रहा है, तो आगे चल के ये प्रेम अगर कहीं चुनाव के बाद अगर एक साथ दिखे तो फिर तो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को बस एक नैतिकता के आधार पर मदद कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने एक चाल चल दी है तेजस्वी यादव की समस्याएं बढ़ाने की? क्योंकि पता है कि पहले ही माझी जी परेशान कर रहे थे तेजस्वी यादव को, कल JMM ने 12 सीटें मांग दी हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां महागठबंधन का स्वास्थ्य पहले से ही गड़बड़ चल रहा है, वहीं एक और समस्या कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बढ़ा दिया है कांग्रेस से क्या मदद करके नीतीश कुमार ने। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा, खबर के साथ साथ आगे भी खबरें लगातार चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।